80% को ही लूटा जा रहा है। और अडानी को सारे एयरपोर्ट दे दिए, जहाज दे दिए, रोड दे दी, तेल दे दिया, रेल दे दी, सब कुछ। 75,000 करोड़ का कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ही ठेका दिया था अडानी को, और 80,000 करोड़ का ही राजस्थान में दिया था। कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। जैसे मुगलों ने तलवार के दम पर हमारा शोषण किया, कांग्रेस ने कानून बना के हमारा शोषण किया, और कांग्रेस ने 1991 में वर्शिप एक्ट लगा करके हमारा शोषण किया। कांग्रेस ने 1992 में हमारे जितने भी पूजा मंदिर मठ थे उन पर कब्जा किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इस कांग्रेस ने इस देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है कि कोई कर नहीं सकता। क्या नाम हो? हरिकांत सिंह, एडवोकेट। हरिकांत सिंह जी, जिस तरीके से 2024 की बातचीत हो रही है, 2024 का विगुल बज चुका है। उधर नरेंद्र मोदी जी ने भी कार्यकारिणी बैठक करके विगुल बजा दिया, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा करके वही संकेत दे रहे थे। क्या लग रहा है, किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, 2024 का विगुल बज चुका है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संसदीय दल की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 300 मीटर का रोड शो करने के लिए पब्लिक को बस में भर भर के लाना पड़ा मोदी जी को। क्यों? क्योंकि देखिए, पब्लिक भी आने को तैयार नहीं है। 10 साल में कोई काम नहीं किया है, सिवाय एडवर्टाइजमेंट के अलावा, सिवाय जुमलों के अलावा, सिवाय झूठ बोलने के अलावा, इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब माहौल ख़राब करने के लिए कि हिंदू राष्ट्र बना, अरे भैया हमारा देश ऑलरेडी हिंदुस्तान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पूर्ण बहुमत है आपका, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, राष्ट्रपति आपका है, ठीक है, तो आपको रोक कौन रहा है? संविधान, राष्ट्रपति तो सबके हैं, प्रधानमंत्री भी सबके हैं, आपके नहीं है क्या? नहीं, सबके, मैंने क्या कहा, बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। 370 जैसे आपने हटाया, ऐसे इस चीज को भी कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन सिर्फ माहौल खराब करना है, बखान करना है 2024 के लिए कि किसी भी तरीके से माहौल खराब हो। कौन कर रहा है माहौल? भाजपा। और कौन कर रहा है? कर रही है। देखिए आप, देखिए, रोजगार की कोई बात नहीं होनी, जो बुनियादी सुविधाएं उनकी कोई बात नहीं होनी। अडानी पे मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते संसद के अंदर में, पूरी सारी बातें करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन अपने भाई के नाम लेने के लिए भी नहीं हो रहे हैं। अपने भाई का नाम भी नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं लिया है। देखिए, ये कह रहे हैं अडानी का नाम नहीं ले रहे। अब एक बताइए, अडानी का नाम किस विषय पे लेना चाहिए, बताइए बताइए, किस विषय हुआ क्या है? अडानी का इन्हें पता ही नहीं है, तो फिर ये किस विषय पे लेना चाहिए? तो बहस करने का कोई लॉजिक नहीं है इनसे। बताइए, आप बताइए, आप बताइए। एक मिनट, मैं बताता हूँ। देखो, मेरा नाम भूदेव है। इन्हें ये पूछो, जितना कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। जैसे मुगलों ने तलवार के दम पर हमारा शोषण किया, हम हिंदुओं का, कांग्रेस थी उस टाइम, कांग्रेस ने कानून बना के हमारा शोषण किया, और कांग्रेस ने 1991 में वर्शिप एक्ट लगा करके हमारा शोषण किया। कांग्रेस ने 1992 में हमारे जितने भी पूजा मंदिर मठ थे उन पर कब्जा किया गया। जो है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इस कांग्रेस ने इस देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है कि कोई कर नहीं सकता। और मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस को ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। जहाँ तक कह रहे हैं ये कि मोदी जी ने किया क्या, आज मोदी जी के द्वारा, पहले हम आयात करते थे हथियारों का, आज मोदी जी के कारण ही हम निर्यात करते हैं हथियारों का। और इन्हें मैं बताना देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हाईवे इस देश के बने हैं तो मोदी जी के राज में बने। अगर आज हाईवे बने हैं, बताइए भाई साहब, आप कह रहे हैं विकास। देखिए, आज की डेट में 80 करोड़ को ही लूटा जा रहा है, 80 करोड़ को फंसा रखा है। और सबसे 80, एक मिनट रुक जाइए, 80 करोड़ को ना रोजगार के लिए कौन मारा मारा फिरता है, 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़ डिफाइन कर दीजिए, सॉरी 80 करोड़ के 80% 80% को ही लूटा जा रहा है। 80% के पास में, 80% में, एक मिनट रुकिए, 80% मेरी, मेरी बात सुनिए, 80% में आप भी आते हैं? हाँ, मैं भी आता हूँ। लूटा गया आपको, क्या हुआ आपके? क्या हुआ? रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा 80% के लिए। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डिवाइडेशन कर रहे हैं 80 और 20 80 और 20, हर इलेक्शन में बीजेपी क्या करती है, 80 और 20। वो तो कह रहे सब, वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं आपका इस बात
बात में समर्थन करूंगा, एक मिनट जाइए, मैं भी आपको इसी बात में समर्थन करूंगा। आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसा भाजपा कह रही है, आपने भी कहा अभी, आप एक मिनट रुकिए, उन्होंने भाजपा के क्या मुझे बताइए लोकसभा के अंदर कितने टिकट अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को देते हैं? एक टिकट भी नहीं। योग्यता नहीं होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए मेरी बात को। राज्यसभा में जो थे वो भी चले गए, यूपी में एक एमएलए नहीं है। किसका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कह रहे हैं आप? क्यों बरगला रहे हैं पूरी जनता? जब टिकट दिए जाएंगे तभी विकास होगा, वैसे नहीं होगा। उनको घर दिए, मकान बनवाए, उनके लिए शौचालय बनवाए, 3 तलाक हटाया गया, उस पर नहीं बोलेंगे। और अडानी को सारे एयरपोर्ट दे दिए, जहाज दे दिए, रोड दे दी, तेल दे दिया, रेल दे दी, सब कुछ दिए हमने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें टेंडर दिया गया है, यानी कि तुम ले जाओ। एयर इंडिया किसके पास है? इनसे पूछो एयर इंडिया कितने का पास, किसके पास है? 47,000 करोड़ रुपए फ्रांस जो कैपेबल होगा वही तो हैंडल कर सकता। 47,000 करोड़ रुपए की कहां से वो हो रही है? ये देखो, जो शर्त पूरी करेगा कानून के अनुसार उसे टेंडर मिलेगा। इन कांग्रेसी कहते थे रिलायंस, इन्हें पूछो कि क्या इनके राज में रिलायंस? अडानी वाले पे जवाब दीजिए, अडानी वाले पे जवाब। 75,000 करोड़ का कांग्रेस सरकार ने ही जो है वो दिया था, ठेका दिया था अडानी को, और 80,000 करोड़ का ही राजस्थान में दिया था। राजस्थान में भी ये उनको टेंडर पास हो गया है गहलोत जी के साथ में, अब उसके बारे में क्या? देखिए मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं। एक तरफ तो इन्हें फंसा दिया सबको 80% को कि तुम इसमें उलझते रहो, ठीक है मेरा भाई? नहीं, जवाब दीजिए, राजस्थान में कौन सी दोस्ती है अडानी जी के साथ में, जो वहां पर एक उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है क्या, या फिर ये दोस्ती होगी क्या ये गहलोत जी के साथ में? मैं बताऊं आपको, एक मिनट गया, बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही हैं। आज की डेट में बीजेपी कांग्रेस को पता है कि मेरे को आना नहीं है, क्योंकि मेरी जगह पर ऑलरेडी केजरीवाल आ चुका है। सुपड़ा साफ होना है। दूसरी बात, रही बात केजरीवाल आ चुके हैं जी भाई साहब, सुनिए पहले जवाब मैं दूंगा। 80% ये है मुकेश नगर मतलब हसीन सपना, 80% आप इनकी बातें करते हैं। समाज में हम काम कर रहे हैं, समाज में हम रहते हैं, जमीन पे हम काम कर रहे हैं, आप बात करते हैं 80% की। हमें पता नहीं वो 2% भी है कि नहीं है। मैंने आपको कहा एक्सप्लेन करो कौन है 80% का जवाब है? 80% हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू 80% को कहते हैं 80 80 80 80। हिंदू का लॉजिक पर बात, तथ्यों पर बात। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में मुद्दे पर बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे केजरीवाल ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्हें 5-5 लाख और 10-10 लाख रुपया दिए, और जो हिंदुओं के घर जलाए गए उन्हें 50,000 दिए गए। तो इससे दोगला आदमी कौन होगा? जवाब दीजिए भाई साहब, ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं बेबुनियाद बातें हैं, इन बातों में कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई उस लॉजिक की बात नहीं है। एक मिनट, इन्होंने जो है कि उन्हें जो बच्चों को मदरसों में ये जो है कि 40,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, 18,000 और 12,000, और हिंदुओं के लिए मंदिर में 1 रुपया नहीं दिया जाता, इससे दोगला केजरीवाल से दोगला कौन इंसान होगा? इनसे बात करो। मैं बताता हूँ आपको, इन मेरे भाई की जानकारी अधूरी है, सब जगह पर दिया जाता है। एक मिनट सुन लीजिएगा, केजरीवाल की तो बेबुनियाद है, बेबुनियाद है ना भाई साहब, थोड़ा सा मुझे बताइए बेबुनियादी कहाँ लग रही है? बताओ, जो ये कह रहे हैं कि मॉन्डन्स को यहाँ पे तनख्वाह देते हैं, ऐसा है जब बीजेपी सरकार थी तब भी दी जाती थी, जब कांग्रेस थी नहीं दी जाती थी। देखो बीजेपी की सरकार का बीजेपी का सरकार का मतलब है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अगर भाई से पूछो हिंदुस्तान में जो मोदी जी ने कोरोना काल में मुफ्त में अनाज दिया, तो नहीं तो मुस्लिम है, तुझे अनाज नहीं दूंगा।